नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पुलिस ने सील किया लैक्मे फैशन एकेडमी, छात्राओं ने लगाया था धर्मांतरण का आरोप। मुरादाबाद में बुधवार को कांट रोड स्थित लैक्मे फैशन एकेडमी को पुलिस ने सील कर दिया है। बताते चले, लैक्मे फैशन एकेडमी पर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की मुहिम का आरोप लगने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने एकेडमी के 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर संस्था को सील कर दिया है। दरअसल लैक्मे एकेडमी एंड फैशन के विरुद्ध इंस्टीट्यूट चलाने की आड़ में धर्मांतरण कराने की धाराओं में लैक्मे की संचालिका रक्षंदा खान, पति शहनवाज और एक अन्य के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही लैक्मे फैशन एकेडमी को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, विगत दिन पहले कुछ हिंदू लड़कियों ने जिलाधिकारी अनुज कुमार से लैक्मे की संचालिका रक्षंदा खान के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तो लैक्मे संचालिका का पुतला दहन कर धरना भी दिया था। लैक्मे एकेडमी में पढ़ रही हिंदू छात्राओं का आरोप था कि संचालिका रक्षंदा खान उन्हें एकेडमी के अंदर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती करने का दबाव बनाती है। लड़कियों ने ये भी शिकायत की कि रक्षंदा खान माथे पर मंदिर का तिलक, हाथ में कलावा बांधने पर भी रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, अगर कोई शादीशुदा लड़की मांग में सिंदूर या बिंदी लगाई होती है तो उसे एकेडमी से बाहर ही रोक देती है। हेलो, पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है हमें। हिंदू मुस्लिम में मतलब हिंदू बच्चों को नीचे रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जितने भी वो होते हैं हमें मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली, और मैंने तो 19 साल की एज में भाग के घर से शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मान गई है। इसको कहा गया है कि क्या कहते हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है यहाँ पे हमारा नाम, और हमें प्रेरित किया जाता है कि आप भी यहाँ पे मुस्लिम लड़कों के साथ यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे घर वाले सब मान जाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को बोलते हैं इनसे तो हमें बोलती है कि ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी तुम भी, हम नॉनवेज के लिए बोलते हैं मेन, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि नॉनवेज शिक्षा की जगह खाना बंद मतलब अलाव नहीं है, कि खाना नहीं चाहिए शिक्षक। कौन है जो कहती है सर? रक्षंदा खान ये पहले हिंदू थी, बाद में वो मुसलमान में कन्वर्टेड हुई है। हाँ, इस चीज को लेके अगर हम उन्हें बोलते हैं कि आप मैम नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए शिक्षा की जगह जहाँ हम पढ़ रहे, तो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें रोकूंगी बिंदूर सिंदूर और क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहनने से, ये टीका मत लगा के आया करो, कलावा मत पहनो, इन सब चीजों को हमें रोका जाता है। आज बजरंगदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो यहाँ की छात्राएं पीड़ित हैं उनके साथ यहाँ पर जो एकेडमी है लैक्मे एकेडमी, उस एकेडमी का यहाँ पुतला फूंका गया है और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इस लैक्मे एकेडमी के अंदर जो यहाँ की संचालिका है रक्षंदा खान, उसके द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, तो वो उनको अपनी कहानी सुनाती हैं और उनको प्रेरित करती हैं। जो हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं सिंदूर लगा के आती हैं, मंगलसूत्र पहन के आती हैं, उनको सिंदूर लगाने को मना करती हैं, मंगलसूत्र पहनने को मना करती हैं,
जो हिंदू छात्र तिलक लगा के आते हैं उनको तिलक लगाने को मना करती हैं, और लक्ष्मण खान स्वयं मुस्लिम है और जो मुस्लिम छात्र इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं सीखते हैं वो स्वयं यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ये किस तरीके की कानूनी है, किस तरीके के नियम है? इस तरीके की हरकतें मुरादाबाद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमने प्रशासन से मांग करी है कि मुकदमा लिख के कठोर से कठोर कार्रवाई करे, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, मुकदमा नहीं लिखेगा, तो वह जनरल आगे आंदोलन करेगा। लैग्मी अकेडमी का पुतला फूका गया, खास लैग्मी अकेडमी के सामने। पिछले साल भी ये घटना यहाँ पे संज्ञान में आई थी जिसमें तिलक लगाने को लेकर के इन्होंने विरोध करा था लैग्मी अकेडमी ने, तो उस छात्र ने भी इनके सामने गए थे अपना विरोध दर्ज करके और मुकदमा शायद से पंजीकृत कराया था, उसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है। और अभी जिन महिलाओं ने इसका विरोध करा वो सामने आ गई, ये जांच का विषय है। क्या पता कितनी महिलाएं यहाँ पे प्रताड़ित हो चुकी हैं अभी तक। हमने प्रशासन से मांग करी है कि पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखा जाए कि यहाँ पे किन छात्राओं का प्रताड़ित किया गया है। प्रशासन क्या क्या कहना है? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये थाना सिविल लाइन्स में एक शिकायत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लैक्मी एकेडमी जो कांट रोड पर स्थित है उसके दो छात्राओं ने, एक छात्र ने ये कंप्लेंट की थी कि इस एकेडमी की संचालिका उनके द्वारा इनके साथ एक धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और कुछ अन्य शिकायतें भी उनके द्वारा की गई थी कि उनके द्वारा नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ तरह तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जो BNS की धारा 299, 351(2) और 3181 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी।